हमारे सरकार की जो डबल इनकम है उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण एक साधन हो सकता है इनकम बढ़ाने के लिए किसानों का, क्योंकि किसान जो कर रहा है उसके साथ साथ ये अगर हम करेंगे तो इससे एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त करेंगे। जय हिंद किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। मेरा नाम रोहित कुंजाल है। आज हम आए हुए हैं NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में। आप देख पा रहे हैं यहां पर बी कीपिंग को लेकर काफी जो यहां पर सरकार जो है अगर NDRI की विभाग की तरफ से काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और हमारे साथ जो है डॉक्टर साहब मौजूद हैं। इसका पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे किसान भाई इसकी शुरुआत कर सकते हैं और कैसे इसके फायदे होते हैं, उन सबके बारे में हमें बताएंगे। तो चलिए हम डॉक्टर साहब से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए किसान भाइयों को। जी मेरा नाम डॉक्टर योगेश कुमार है और मैं विषय विशेषज्ञ हूँ कृषि विज्ञान केंद्र में। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र में है कौन कौन सी गतिविधियाँ चल रही हैं। सबसे पहले मैं आपको जो बी कीपिंग है, जो बी ग्रोवर है, हनी बी ग्रोवर है, उनके बारे में बताऊँगा। जो ये इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं हम किसानों को दिखाने के लिए, जो किसान भाई एज ए एंटरप्रेन्योर करना चाहता है, खुद का व्यवसाय करना चाहता है, उसके बारे में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ पे केंचुए की खाद की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो भी किसान भाई, जो जागरूक किसान भाई है, जो अपने खेत के ऊपर या अपने आसपास जो खाली जगह है या व्यवसाय के तौर पर करना चाह रहा है, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। 5 दिन की ट्रेनिंग है, 10 दिन की ट्रेनिंग है, और हमारे यहाँ से पूरे भारत देश से अलग अलग जगह के किसान आ रहे हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। और जो ट्रेनिंग होती है इसमें ये एपिस मेलिफेरा स्पीसीज है जो हनी बी की कॉलोनी बनाई हुई है उसमें कार्यरत है ये। और इसका हमारे पास 10 से लेकर 12 डेमोन्स्ट्रेशन रखे हुए हैं, और आसपास सरसों की फसल है, वहाँ पे हम किसानों को लाइव जाके दिखाते हैं कि कैसे कैसे किस तरह की आप प्रजाति चुने, कैसा बी बॉक्स हो, किस तरह आप शहद निकालें वैज्ञानिक पद्धति से, और उस शहद के क्या क्या आप किस तरह से मार्केटिंग करें, ये सारा प्रोसेस है जो हम किसानों को बताते हैं। उसके अलावा जो हमारे किसान भाई जो यहाँ आते हैं उन्हें हम केंचुए की खाद के बारे में बताते हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर कुलबीर सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर आप इस मधुमक्खी की जो है वैरायटी के बारे में खास तौर पर बताएं, एक बार बताएं कि जैसे क्लाइमेट के हिसाब से पूरे भारत के अंदर अलग अलग वातावरण है, अगर बात करते हैं मौसम अलग अलग है, उसके हिसाब से कौन सी मक्खी किस क्षेत्र के हिसाब से ज़्यादा बढ़िया है, और कैसे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसे आप किसान की आय बढ़ाने के लिए इसको मधुमक्खी पालन को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में बताएं। इसकी जो पालने वाली किस्म है वो पूरे भारत में एक ही है, एपिस मेलिफेरा, जो ये माइग्रेट नहीं करती, जो दूसरी मधुमक्खियाँ हैं माइग्रेट करती है, उनको रखना एक जगह मुश्किल होता है, इसलिए सभी से बी कीपर है जितने पूरे देश में एपिस मेलिफेरा से करते हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन है सरकार की जो डबल इनकम है उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण एक साधन हो सकता है इनकम बढ़ाने के लिए किसानों का, क्योंकि किसान जो कर रहा है उसके साथ साथ ये अगर हम करेंगे तो इससे एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त करेंगे। और ये क्योंकि जो बी कीपिंग है वो नेचुरल वे में होती है, और इसके लिए फ्लोरा अगर हो आसपास 2-3 किलोमीटर तक तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट कर सकती है। एक कॉलोनी 10 से 20 या 25 किलोग्राम शहद हम पूरे वर्ष में उससे ले सकते हैं एक कॉलोनी से। अगर किसी किसान के पास 50 हो तो ये 50,000 से 1 लाख रुपए का ये एक्स्ट्रा उसको बेनिफिट मिलता है, जबकि इसमें खर्च बहुत कम है। किसी भी जो एग्रीकल्चर के हम दूसरे कार्य करते हैं उसके मुकाबले इसमें सबसे कम खर्च होता है। और इसके साथ साथ शहद मोम इससे हम ले सकते हैं, पोलन ले सकते हैं, और दूसरी चीज़ ले सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और उससे अतिरिक्त इनकम ले सकते हैं। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप जितनी भी है, आप सब्जी की हो या हमारे अनाज की हो या फ्रूट्स की हो या चारे की हो, उसमें ये 70 से 80% इनकी हिस्सेदारी होती है क्रॉस पोलिनेशन में। और इसके चलते जो किसानों की क्रॉप्स है उनका जो यील्ड है वो उसमें वृद्धि होती है, और उसका ये इनडायरेक्ट फायदा है, क्योंकि जो इसको पाल रहा है वो तो शहद ले रहा है, पर जो उसके आसपास के रेंज के 2-3 किलोमीटर तक किसान से है उनकी उपज बढ़ जाती है, इससे उनको भी फायदा होता है। इसलिए इसको पालना शहद तो ही साथ साथ में आसपास के किसानों का भी इनडायरेक्ट सीधा फायदा होता है। मतलब कि खुद का तो फायदा है ही है, इसके साथ साथ जो पड़ोसी किसान है, जो साथ वाले किसान है, उनका भी फायदा है। तो किसान भाइयों ये थे हमारे साथ डॉक्टर कुलबीर जी, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से बता रहे हैं कैसे भारत सरकार भी जो है अगर बात करते हैं मधुमक्खी पालन के ऊपर काफी प्रोत्साहन दे रही है, किसान की आय के लिए बहुत अच्छा स्रोत हो सकता है। अगर अलग से किसान अपने फार्म के साथ साथ ही अगर 10 से 20 डब्बे या उससे ज्यादा बक्से रखता है अगर, तो अच्छी आमदनी का जरिया हो सकता है। किसान भाइयों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।